बादशाह बेगम उसे बख्शते, उसका कोई कसूर नहीं। बात करो। मैंने कहा था गुलनार, मैंने बोला था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर ये क्यों किया? वादा किया था ना तुमसे, वादा किया था वफादारी का, तो फिर ये क्यों? वादा तो आपने भी किया था मेरी हिफाजत का, मुझे इंसाफ दिलवाने का, तो इंतजार तो कर लेती, थोड़ा इंतजार तो कर लेती। मैं तुम्हें खुद इंसाफ दिलाने वाली थी, उस मुराद को तुम्हारे कदमों में लाती। बस बस बीबी, बस, बहुत हुआ, बहुत पीसिया तुम लोगों ने अपनी जुल्म की चक्की में हमें, और नहीं। पीरापुर की जिस गद्दी की, जिस पाकीज़गी की मिसालें दी जाती, मैं जानती हूं, मैं जानती हूं किस खल्लासत के ढेर पे खड़ी हुई है। मैं सबको बता दूंगी कि रोशन आरा का नाम अपनी जबान से मत निकालना। बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी। आगे वो ठीक कहती थी, हवेली के भेदियों की जबान काट देनी चाहिए, लेकिन जो काम मैंने उस दिन नहीं किया वो मैं आज करूंगी, क्योंकि जिस जबान से रोशन आरा के बारे में कुछ गलत निकलेगा मैं उस जबान को काट दूंगी। मेरी जबान तो काट देंगी बादशाह बेगम, मगर मेरी फरियाद का एक कर्ज रहेगा आप पर, जो ये जबान नहीं कह सकेगी ना, आपको कहना होगा, काट दीजिए मेरी जबान। मगर कयामत के रोज ये जबान गवाही देगी। उसके सामने जिसकी पकड़ बहुत सख्त है, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से।